नमस्कार, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होती है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। जी हां दोस्तों, आज हम आपको गोभी के बारे में बता रहे हैं कि गोभी कितनी फायदेमंद होती है। जी हां दोस्तों, गोभी का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। गोभी का प्रयोग ठंड के समय में अधिक होता है। इसमें कई प्रकार के रोगों को दूर करने की शक्ति होती है। वैसे तो गोभी की तीन किस्में होती हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी। एक अन्य गोभी की किस्म जो मूलतः चीन की होती है, वह चाइनीज गोभी के नाम से भी जानी जाती है। गोभी के नर्म पिंडे की अपेक्षा सख्त पिंडे अधिक अच्छे माने जाते हैं। गोभी को उबालकर रस पूर्ण साग, बिना पानी वाला सूखा साग भी बनाया जाता है। इसकी भाजी बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होती है। गोभी औरतों के स्तनों में दूध बढ़ाने वाली, मीठा वीर्य को बढ़ाने वाला, उत्तेजक, पाचक, वातक तथा पित्त और कफ नाशक होती है। फूल गोभी और पत्ता गोभी का रस मीठा, स्वाद में तेज ठंडी प्रकृति, कुछ उत्तेजनशील पाचक, संभोग की उत्तेजना को बढ़ाने वाले और वात को उत्पन्न करने वाले होते हैं। यह कफ, पित्त, ज्वर, मूत्रकृक्षा, पेशाब में जलन, कुष्ठ यानी कि कोढ़, खांसी, श्वास, दमा, रक्त विकार यानी कि खून के रोग, गांव, जिगर का बढ़ना और पित्त रोग को दूर करती है। पत्ता गोभी की अपेक्षा फूल गोभी अधिक पौष्टिक होती है। यह गर्भाशय को शक्तिशाली बनाती है। गांठ गोभी का रस मीठा होता है। इसकी प्रकृति गर्म होती है। यह रुचिकर कफनाशक वातनारक कफ एवं खांसी को दूर करता है। गोभी के बीज दस्त लाने वाला, उत्तेजक, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला और पेट के कीड़े को नष्ट करने वाला होता है। कच्ची गोभी को पीसकर खाने से शरीर में विटामिन सी की मात्रा से बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। गोभी की सब्जी रक्त पीड़ित से रोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। वैज्ञानिकों के मतानुसार गांठ गोभी, पत्ता गोभी और फूल गोभी में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लौह तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी, आयोडीन और पोटेशियम तथा थोड़ी सी मात्रा में तांबा मौजूद होता है। पत्ता गोभी या गांठ गोभी की अपेक्षा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। गोभी का प्रयोग सर्दी के मौसम में लाभकारी होता है। गर्मी का मौसम शुरू होने पर इसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, इसलिए गर्मियों के मौसम में इसे सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। फूल गोभी का प्रयोग करने से पहले इसे ध्यान से देख लेना चाहिए कि कहीं इसमें कीड़े तो नहीं लगे हैं। फूल गोभी में वातकुण पाए जाते हैं। इसे सब्जी के रूप में गर्म मसाले के साथ तेल में डालकर तलकर ही सेवन करना चाहिए। पात गोभी और फूल गोभी का साग अधिक मात्रा में सेवन करने से गुर्दे में रोग उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण पेशाब बूंद बूंद कर आता है और दिन में पेशाब नहीं आता, लेकिन पेशाब को रात करने के लिए बहुत बारी उठना पड़ता है। फूल गोभी की प्रकृति ठंडी और गीली होती है। गोभी का रंग सफेद या पीला होता है। इसका स्वाद हल्का पीला होता है। जी हां दोस्तों, गोभी एक प्रकार की सब्जी है, हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, जो खेतों में बोई जाती है। इसके पत्ते बड़े बड़े और इसका फूल भी भारी होता है। इसके फूलों की सब्जी भी बनाई जाती है। जी हां दोस्तों, गोभी का अधिक मात्रा में सेवन करने से कब्ज की शिकायत हो सकती है। गर्म मसाला गोभी के दोषों को दूर करता है। गरम करा की तुलना गोभी से की जा सकती है। गोभी शरीर में शक्ति को बढ़ाता है तथा यह पित्त, कफ और खून की खराबी को दूर करता है। यह प्रमेह तथा सुजाक के रोग में बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। खांसी फोड़े फुंसी वालों को यह बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। इसके पत्तों से निकाला हुआ रस मुंह में लेने से मसूड़ों से निकलने वाले खून बंद हो जाते हैं तथा इससे पत्तों का काढ़ा गठिया रोग के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। अब हम देखते हैं कि यह किन किन बीमारियों से लड़ने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है, यानी कि खूनी उल्टी। फूल गोभी की सब्जी खाने से या कच्ची ही खाने से खून की उल्टियां बंद हो जाती है। क्षय रोगियों को गोभी का उपयोग नहीं करना चाहिए। खूनी बवासीर में, यानी कि दोस्तों आपको खूनी बवासीर हो, फूल गोभी का दोनों प्रकार की बवासीर में सेवन करना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। पेशाब की जलन, पेशाब की जलन के रोग में फूल गोभी की सब्जी खाना बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है। सुबह के समय खाली पेट आधा कप गोभी का रस पीने से पोलाइटिस, कैंसर, ग्रहणीवहन रोग ठीक होने लगते हैं। रात को सोते समय कब्ज खत्म हो जाती है। यदि आप रात को सोते समय गोभी का कप एक रस पी लेंगे तो आपकी कब्ज की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। रक्त शोधक यानी कि खून को साफ करना, शरीर में किसी भी प्रकार का दोष या खून को साफ करना हो और शरीर में
कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे खुजली, सफेद दाग और त्वचा के रोग, नाखून तथा बालों के रोग इत्यादि। गोभी से खून को साफ करने तथा इसके दोषों को दूर करने की शक्ति पाई जाती है, क्योंकि इसमें सल्फर, क्लोरीन का मिक्सचर, न्यूक्लियस तथा मेम्ब्रेन इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। हड्डियों के दर्द के लिए, जी हाँ दोस्तों, गोभी के रस में बराबर मात्रा में गाजर का रस मिलाकर सेवन करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। गोभी के रस से एनीमिया क्रिया करने पर गैस नहीं बनता है तथा इसके रस पीने से जोड़ों और हड्डियों का दर्द, अपच, आँखों की कमजोरी और पीलिया रोग ठीक हो जाता है। गोभी की जड़ को चावल में पकाकर सुबह और शाम सेवन करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। बवासीर यानी कि अर्श, गोभी का रस मिलाकर उसमें काली मिर्च तथा मिश्रण मिलाकर पीने से बवासीर के मसों से खून का स्त्राव होना तुरंत बंद हो जाता है। पेट में दर्द, गोभी के पंचांग, जड़, तना, पत्ते, फल और फूल को चावल के पानी में पकाकर सुबह और शाम सेवन करने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। पीलिया, फूल गोभी का रस तथा गाजर का रस समान मात्रा में एक एक गिलास तीन बार पीने से पीलिया में लाभ मिलता है। गले की सूजन, गोभी के पत्तों का रस दो चम्मच पानी में मिलाकर सेवन करने से गले का दर्द ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटे के एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।